नमस्कार। अभी कुछ घंटे पहले वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में सन 1992-93 का बजट पेश किया। इससे पहले के कार्यक्रम में इस बजट को हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक और ड्रामेटिक यानी कि नाटकीय बताया गया। इस बजट की ऐतिहासिकता और नाटकीयता पर चर्चा करने से पहले एक नज़र पिछले साल के हालात पर, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर और वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह की प्राथमिकताओं पर। पिछली दफ़े ये फैसला किया गया कि जब तक हमारे देश में विदेशी मुद्रा के भंडार 9000 करोड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक देश के उद्योग पर कुछ अंकुश लगाए जाएंगे, उपभोक्ता के उधार में कमी की जाएगी जिससे धन वितरण को काबू में रखा जा सके, ब्याज की दरों में 20-24% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। ये जितनी भी सूचना आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत से फैसले किए गए। सरकारी राजकोष घाटे में कमी 5000 करोड़, सरकारी अनुदान मूल्य नियंत्रण में ढील, धन वितरण में 11-12% की कमी, सार्वजनिक उपक्रम संपत्ति में कम सरकारी हिस्सेदारी, आयात पर आंशिक प्रतिबंध, इन तमाम फैसलों से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई और बहुत से उद्योगों ने अपने आप को घाटे में दिखाना शुरू किया। अब जब भारत के पास विदेशी मुद्रा के भंडार 9000 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, उम्मीद की गई थी कि ब्याज की दरों को कम किया जाएगा और आयात पर से प्रतिबंध हटाए जाएंगे। ऐसे हालात में पिछले साल वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह के सामने जो चुनौतियां थीं, वो थीं कि बढ़ती हुई कीमतों को कम करना, आमदनी और खर्च के बीच घाटे को कम करने के लिए सरकारी खर्चे और सहायता में कटौती करना, उद्योग को बढ़ावा देना और उधार पर नियंत्रण ढीले करना, भुगतान के संकट को बैलेंस ऑफ पेमेंट से निपटने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना। ये हालत थी पिछले साल। इस साल का जो बजट हमारे सामने आया है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पास स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं, एक परिचय पहले उनसे करवा दें। अजय कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स। डॉक्टर राजीव कुमार, अर्थशास्त्री। प्रोफेसर अरुण कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। और हम धन्यवाद करते हैं वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह का कि लोकसभा में बजट पेश करने के बाद, दूरदर्शन के स्टूडियो में भी एक घंटा पहले आने के बाद, दोबारा आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया। वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह और वित्त राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर, आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम तमाम आयाम को समझे बजट के, एक नज़र बजट के मुख्य विशेषताओं पर, जो भी सेलिंग फीचर्स रहे उस पर। आयकर सीमा छूट आपने अभी तक सुना होगा टेलीविजन के कार्यक्रम में, निजी आयकर में सीमा जो छूट है वो 22,000 से करकर 28,000 तक कर दी गई है। पहले ये सीमा थी 22,000, अब इसे 28,000 कर दिया गया है। 50,000 तक की इनकम पर, आय पर 20% टैक्स लगेगा, 1,00,000 तक की इनकम पर, आय पर 30% लगेगा और 1,00,000 से ज़्यादा की इनकम पर, आय पर 40% टैक्स लगेगा। इसके अलावा लोग अपना पूंजी निवेश किया करते थे ATL, ATCCA, ATCCB, उसमें कर में छूट मिला करती थी, अब ये छूट बंद हो जाएगी, ये छूट नहीं मिला करेगी, लेकिन जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड वगैरह पर ये छूट जारी रहेगी। जो महिलाएं नौकरीशुदा हैं और 75,000 रुपये महीना साल तक कमाती हैं, उन्हें 15,000 रुपया कर मुक्त माना जाएगा उनकी तनख्वाह में से, ये भी एक नया प्रावधान है। जो साझेदारी कंपनियां हैं उनमें दोहरी आयकर प्रणाली बंद कर दी जाएगी, जैसा कि पहले हुआ करता था, दोहरी आयकर प्रणाली बंद कर दी जाएगी। पहला सवाल जो हम पूछना चाहेंगे वित्त मंत्री जी आपसे, कि इस बजट की मुख्य विशेषता आप क्या मानते हैं पिछले बजट के मुकाबले? पिछले साल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं? जी, पिछले साल जब हमारी सरकार आई तो उस वक़्त देश एक बहुत बड़े संकट से गुज़र रहा था और इस चीज़ का बहुत ही ख़तरा था कि कहीं हमारे मुल्क का बिल्कुल दिवालिया ही ना हो जाए। अगर ऐसी चीज़ हो जाती तो ये तो हमारे देश और देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात होती, इससे देश की आर्थिक हालत को और भी बहुत धक्का पड़ता, कीमतें बढ़ती और जो बेरोज़गारी है वो भी बेहद बढ़ती। तो सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ उस समय था कि किसी तरह हम इस डिफ़ॉल्ट को ना होने से
कि ना होने दें इसको, ना होने दें जी। तो उसके लिए सबसे पहला जोर हमने इसी चीज़ पे दिया कि किसी तरह भारत की साख को इतना मजबूत किया जाए कि जो जो लोग पैसा यहाँ देश से वापस ला रहे थे नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो ऐसा करना बंद कर दें, जो बाहर से पैसा आना बंद हो गया था वो आना शुरू हो जाए। और जैसा कि आपने कहा कि उस वक़्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे 2300 जुलाई में, तो वो तो दो हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी नहीं थे जी। और अगर ऐसी हालत रहती तो देश में एक बहुत बड़ा भयानक संकट का दौर शुरू होने वाला था। ये जो संकट तल जी, उसको हमने रोका है। अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तकरीबन 11,000 हैं, उसकी वजह से हमने बहुत सी जो पाबंदियां लगाई थी बाहर से माल मंगवाने की, वो हमने अब हटा दी हैं। इससे आर्थिक उन्नति को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रुकेगी, और मुझे पूरी आशा है कि इससे कीमतों को काबू में रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। अरुण, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस बजट से अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को रोकने में मदद मिलेगी, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि इस बजट से बेरोजगारी को रोकने में, कम करने में सहायता मिलेगी? मैं ऐसा नहीं समझता, और मैं चाहूँगा कि वित्त मंत्री जी इसको थोड़ा ठीक से हमको बताएं। मेरा ये मानना है कि जो ये जो बजट है और जो आज के देश के हालात हैं, उसमें कोई ऐसा वो मुझे नहीं दिखता मुद्दा जिससे कि डिमांड बढ़े इकॉनमी में, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में जैसे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि डिमांड से कंस्ट्रेंट आया है, जिसकी वजह से जो उन्नति का देश में उन्नति की दर है उसमें कमी आई है। तो ऐसे कौन से हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि मुझे तो ये दिख रहा है कि जो प्लान का भी एक्सपेंडिचर है वो रियल टर्म्स में वो भी एक तरह से कम हुआ है या उतना ही रखा गया है, उधर फिस्कल डेफिसिट को काटा गया है। तो ये जो डिमांड के जो जनरेशन के एक सोर्सेज होते हैं वहाँ पर अंकुश है। और उधर मैं ये भी देखता हूँ कि एक तरह से जो अभी गोल्ड की स्कीम जो लागू की गई है, जो कैपिटल गेन और वेल्थ टैक्स के जो कंसेशन दिए गए हैं, उससे मुझे लगता है कि इकॉनमी में स्पेकुलेशन बढ़ने के काफ़ी आसार नज़र आते हैं। ये अगर स्पेकुलेशन बढ़े तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव एसेट में जाने की बजाय शायद अनप्रोडक्टिव एसेट में ज़्यादा जाए, तो ये मैं समझना चाहूँगा कि कुछ अगर बताया जाए कि ये कैसे ये ग्रोथ के वो आपको बताना चाहिए। देखिए जी, आप स्पेकुलेशन के बारे में तो मेरा विचार है कि आपका कहना ये ठीक नहीं है कि इससे बढ़ेगी स्पेकुलेशन, स्मगलिंग और दूसरी ऐसी जैसी चीज़ें हैं, उन पर उनको काबू करने में हमारे हम मदद मिलेगी। विनोद, क्या मैं और मंत्री जी पहले कंप्लीट कर लें। और दूसरा जो आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में या बेरोजगारी के बारे में वो कैसे बढ़ेगी जब हम मांग को बढ़ावा नहीं दे रहे, तो इसमें मेरा विचार है कि सिर्फ मांग को बढ़ावा देने से अगर भारत की बेरोजगारी दूर हो सकती तो वो तो कोई मुश्किल नहीं है। डिफिसिट फाइनेंसिंग जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें डिफिसिट फाइनेंसिंग करना है और डिमांड को बढ़ाना है, चाहे उसके लिए हमारे पास साधन ही नहीं हो। मेरा ये यकीन है कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कीजिए और उसके साथ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने लाई हैं टैक्सों में, इंपोर्ट रिजीम में, उससे सप्लाई रिस्पांस इतने बढ़ेंगे कि कुछ ही अरसे में आप उसका देखेंगे कि देश की आर्थिक हालत पे उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसके साथ बेरोजगारी भी कम होगी। बट ठाकुर साहब, आप हिंदी में जरा इसको देखिए, हम लोग ये शब्द सुनते रहते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों को इनके मतलब नहीं मालूम है कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या फ़र्क होता है, बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या फ़र्क होता है। तो जैसा मनमोहन सिंह जी ने अभी बताया, आप ज़रा हमें सरल भाषा में समझाएं जो इनकी शंका है प्रोफेसर अरुण कुमार की, कि बेरोजगारी कैसे कम हो। मूल प्रश्न आपके थे दुआ जी, जिसमें आपने कहा कि आप ये जानना चाहते हैं कि इस बजट की विशेषताएं क्या हैं,
अब उस परिप्रेक्ष्य में हमारे वित्त मंत्री जी ने कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित किया और प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने जो है सो प्रश्न पूछे हैं वो खासतौर से मुद्रास्फीति के बारे में हैं और मूल्य अधिक वृद्धि हो रही है, होने की शंकाएँ इनकी हैं। ये दो मूल प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि ये एक ऐतिहासिक बजट है। ये इस माने में है कि इसमें सरकार की एक नई दिशा जो है, जो आर्थिक नीति हमारी है, जो व्यापारिक नीति है और जो हमारी जो हमारी जो फिस्कल जिसको कहते हैं हिंदी में कर प्रणाली जो हमारी नीति है, उसका एक स्पष्टीकरण नए ढंग से हुआ है जो अब तक नहीं हुआ था। साथ ही साथ इसके साथ आप देखेंगे ये पिछले 8 महीनों की जो स्थिति जिस पर प्रकाश हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने डाला है, उसकी स्थिति को दूर करने के लिए, सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए, हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए और उत्पादन में भी कृषि और उद्योग दोनों को और निर्यात को बढ़ाने के दिशा में विशेष प्रावधान किए गए हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन प्रावधानों से हमें जो मुद्रास्फीति की तरफ आपका ध्यान है, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि सरकार ने जो प्रयास किया पिछले 5 महीनों में आप देखेंगे, ये जरूर था कि अगस्त में 16.7% तक हमारी मूल्य वृद्धि हुई थी, लेकिन बाद में हर महीने में प्रति महीने में आप देखेंगे घटते गया है और आज ये 12% पर आ चुका है। और जो प्रयास बजट में किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, यदि हमारा उत्पादन बढ़ता है किसी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तो हम वास्तव में अधिक से अधिक जो सामान है लोगों में उपलब्ध करा करेंगे। मूल कारण जो होता है मूल्य वृद्धि का वो ये होता है। दूसरा है हमारे पास आज जैसी उपलब्धि बताई गई 11,000 करोड़ से अधिक हमारे पास आज विदेशी मुद्रा का भंडार है। हम जिस वस्तु में बहुत कमी होगी, जैसे तेल में कमी हो गई थी खाद्यान्न वाले तेल में, तो वो हम विदेश से भी आयात कर सकते हैं, जिससे कि हम गाँव के लोगों को दे सकेंगे। और एक विशेषता और जो आपने कही है समय बहुत है इस कार्यक्रम में, दरअसल बेरोजगारी की समस्या पर ही प्रधानमंत्री से एक छोटी सी मुलाकात का आयोजन है, तो जल्दी से प्रधानमंत्री के विचार सुनते हैं श्री पीवी नरसिंह राव के बेरोजगारी पर कि ये बजट बेरोजगारी को कैसे कम करेगा, उसके बाद हम इस पे आते हैं। उसके बारे में इस बजट में कैसे प्रावधान है, क्या उस मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के कुछ प्रावधान बजट में है? इसमें जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, इस साल अगर हमारा मौसम ठीक रहा, वर्षा अच्छी हुई और उत्पादन ठीक रहा तो मुद्रास्फीति में भी कमी हो सकती है और होगी। और वैसे मुद्रास्फीति के लिए कोई प्रावधान करना संभव नहीं था, क्योंकि उससे हमारी जो हमारे विकास के क्रम में कुछ बाधा पड़ सकती थी और फिर जो संतुलन हम लाना चाहते थे शायद वो इस प्रकार नहीं आता। लेकिन मुद्रास्फीति कुल मिलाकर काबू में रहेगी और जैसा अभी मैंने कहा, मेरा ये अंदाज़ा है कि मुद्रास्फीति 2-4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि अवश्य कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री महोदय, आपने हमेशा से कहा कि आर्थिक सुधारों का एक मानवीय पहलू होना चाहिए, क्या इस बजट में ये दृष्टिगोचर होता है? ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि जहाँ लोग गरीब हैं, जिन पर हमें कोई भार नहीं डालना चाहिए, उन पर कोई नहीं भार डाला गया है, और जो मध्यम वर्ग के हैं उन पर भार तो नहीं डाला, साथ ही साथ जो भार उन पर है उसको कुछ कम करने की कोशिश की गई है, और जो धनाढ्य वर्ग हैं उन पर भार पड़ा है और वैसे पड़ना ही चाहिए, अब कोई दूसरा वर्ग तो है नहीं जिस पर हम भार डाल सकें, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि उनके लिए ढोने के काबिल न हो, ऐसी भी बात नहीं है। कुल मिला के बजट का भार बहुत नहीं है और हमने कोई केंद्र सरकार के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जुटाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि कुछ माइनस ही हुआ है। राज्य सरकारों के लिए ज़्यादा पैसा हम जुटा रहे हैं।
क्योंकि आज राज्य सरकारों को अपनी जो परेशानियां हैं उनको ठीक ठाक करने के लिए और अर्थव्यवस्था जो उनकी बिगड़ती जा रही है उसमें सुधार लाने के लिए हम प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको कुछ अधिक मिल रहा है। केंद्र सरकार को कुछ अधिक नहीं बल्कि कुछ कम ही हुआ है। फिर भी कुल मिलाकर हम समझते हैं कि संतुलित बजट एक तो हमारे विकास में सहायक होगा, आर्थिक व्यवस्था की बढ़ोतरी इससे संभव हो जाएगी, सरल हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि जो हम करना चाहते थे पिछले साल जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी सुधार की, वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने जो भी कहा कि बजट संतुलित है, अब ये बजट कितना संतुलित है, कितना असंतुलित है, कितना आम आदमी के हित में है, कितना अहित में है, ये कुछ सवाल पूछने के लिए बंबई में वरिष्ठ उद्योगपति श्री रामकृष्ण बजाज हमारे साथ हैं स्टूडियो में। हम जल्दी से दो सवाल श्री बजाज से पूछेंगे कि इस बजट पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। यदि बंबई तैयार हो तो हम ये दो सवाल पूछना चाहेंगे। श्री बजाज, इस बजट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? विनोद जी, ये बजट सुनकर हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई है। किसी भी वित्त मंत्री को यह बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है कि वो एक प्रिय नेता भी बना रहे, उसको आर्थिक और राजनीतिक दोनों मुश्किलों के बीच बजट पेश करना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि इनको इन कठिनाइयों को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही सुंदर और अच्छा बजट पेश किया है। ये अच्छा इसलिए भी है कि ये कॉमन सेंस से भरा हुआ है और बहुत प्रैक्टिकल भी है। ये असल में सवाल आता है कि दो अलग अलग पद्धतियों, आर्थिक पद्धतियों के बीच में जो फर्क है, एक पद्धति का हमने अभी तक अनुकरण किया और उसका नतीजा हमने देखा। हमारे देश में उससे गरीबी बढ़ी है, हमारे देश में उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अब हमको दूसरा तरीका अपनाने की आवश्यकता लगती है और मेरा मानना है कि इस बजट की वजह से हम लोगों को ज़्यादा उद्योग बढ़ेगा, लोगों को ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, उसकी वजह से ज़्यादा क्रय शक्ति बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों को उत्पादन करने की वजह से, ज़्यादा उत्पादन की वजह से ज़्यादा नौकरियां भी मिलेंगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होगा और उसकी वजह से धन बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी और देश का विकास बहुत तेज़ी से आगे हो सकेगा। दो पद्धतियाँ जो थी उसमें से एक पद्धति की तरफ हमको जाना है, उसकी तरफ हमको बढ़ना है। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाते समय कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों की वजह से कई लोगों का विरोध भी हमको सहन करना पड़ता है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, लोग कहते हैं कि ये बजट और ये गवर्नमेंट की नई पॉलिसी इसकी वजह से हो रही है कि हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक के दबाव की वजह से हो रहा है। अरे ये बात तो हम करीब करीब 10-15 वर्षों से कह रहे हैं कि यदि आर्थिक व्यवस्था है इसमें से कंट्रोल हटाया जाए और इनको लिबरलाइज किया जाए तो देश की उन्नति बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, उद्योग बढ़ सकते हैं। पहले 7-8% जो उद्योग में विकास होता था उसकी जगह 10-12% आसानी से हो सकता है। बजाज साहब, एक सवाल रुकावट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल जिसके जवाब भी छोटा मैं चाहूँगा आपसे कि ये बेरोजगारी कैसे कम होगी इस बजट से? क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, कारखाने बढ़ेंगे तो उसकी वजह से एंसिलियरीज बढ़ेंगी और सभी तरह के काम बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ना ही है। अच्छा बजाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं, मौका हुआ तो हम दोबारा आपके पास आएंगे कुछ और सवाल पूछने के लिए। बजाज साहब ने जो कहा, वित्त मंत्री जी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। ये भी ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है। तो एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नए बजट के कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में रुपये के अवमूल्यन की, डिवेल्युएशन की क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए, डिवेल्युएशन और रिवेल्युएशन आजकल के ज़माने में इनके कोई माने नहीं रहे। एक्सचेंज रेट सारी दुनिया में वो कभी एक दिन ऊपर होते हैं, दूसरे दिन नीचे जाते हैं। तो मार्केट फोर्सेस को अगर आपने बढ़ावा दिया तो ये तो होना ही है कि एक्सचेंज रेट्स कभी कम होंगे, कभी बढ़ेंगे,
लेकिन आज जो हमने किया उससे ये कहना कि हमने रुपए को डीवैल्यू कर दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑफिशियल एक्सचेंज रेट वो जितना आज है वो कल भी वही होगा, लेकिन हमने कहा है कि जो बाहर से लोग एक्सपोर्ट अर्निंग्स होती हैं 40% तो वो रिज़र्व बैंक को दे देंगे, वो ऑफिशियल रेट पे जिन चीज़ों को हम मंगाना चाहते हैं उनको मंगाएंगे, बाकी के लिए मार्केट डिटरमिंड रेट होगा। तो वो क्या किस तरफ जाता है ये मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर ठीक है कि उस पर कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, और वो बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इम्पोर्ट को कम करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए और देश के आर्थिक विकास में मदद देने के लिए। आपने जो जिक्र किया रुपए के कन्वर्टेबल होने का, परिवर्तनीय होने का, हमारे पास बम्बई में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी हैं जिनसे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल एक नज़र इस बजट की कुछ और मुख्य विशेषताओं पर। निजी आयकर में कलाकारों, लेखकों, खिलाड़ियों के लिए आयकर में छूट दी गई है। इसमें टेलीविजन के लोग भी शामिल हैं जी। अच्छा, ओके। इसके साथ साथ जो और इसमें प्रावधान है संपत्ति कर में, कि शेयर, बॉन्ड, बैंक निवेश, उनको पूरी छूट दी गई है संपत्ति कर से, लेकिन मकान, जेवरात और मोटर कार वगैरह को 1% कर लगाया गया है। साथ साथ पारस्परिक निधि यानी म्यूचुअल फंड को आयकर से पूरी छूट दे दी गई है। और जो कॉरपोरेट कर हमारे यहाँ होते हैं, कॉरपोरेट जगत में जितने भी कर होते हैं, उनमें फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं अजय आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने बजट सुना, आपकी जो नज़र है वो एक अखबार वाले की नज़र है, आपकी निगाह में इस बजट से आर्थिक वातावरण में क्या माहौल बनेगा? विनोद, ऐसा है कि ये बजट जो है, जो दिशा सरकार ने पिछले साल अपनाई थी उसी दिशा में और देश को ले जाने की तरफ है। काफ़ी हद तक बजट जो है ऐतिहासिक है, इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को बधाई देनी चाहिए। और ख़ास करके जो ये हफ्ता जब शुरू हुआ था तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह पे ही निजी बहुत अटैक हुए थे पार्लियामेंट में, तो कुछ एक डर सा था कि पता नहीं क्या होगा बजट में, पर ऐसा हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से तो बजट अच्छा है। कुछ एक बातें ज़रा इतनी साफ नहीं हैं कि कीमतों का क्या होगा। पिछले साल आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि बजट में कि उनके अंदाज़ से कीमतें जो है 9% बढ़ेंगी, अभी 12% बढ़ी हैं। और जो बात ज़्यादा खटकती है वो ये है कि कीमतें बढ़ी हैं खाने की वस्तुओं की बहुत ज़्यादा, 30% 35%। गेहूँ जो है 6 रुपये में बिक रहा है आजकल। तो उनके तरफ से मैं एक सवाल पूछूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह से ही कि एक साल के बाद उनको क्या लगता है गेहूँ का क्या भाव होंगे? देखिए, मैं तो कोई जादूगर तो हूँ ही ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो लेकिन ये मेरा विश्वास है कि कीमतों, बढ़ती हुई कीमतों पर हम काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे। ये कहना कि कीमतें गिर जाएं, ये तो संभव नहीं है। सारी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आज आप समझते हैं कि कीमतें 12% सालाना बढ़ रही हैं, तो अगले 5-6 महीनों में अगर कोई ड्राउट जैसी स्थिति ना आ जाए तो ये पहले से बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन मैं ठाकुर साहब से कहूंगा कि इसका विस्तार से क्या मैं एक सवाल प्रोफेसर अरुण कुमार एक सवाल इस संदर्भ में ही मैं जानना चाहूँगा कि जो मुझे लगता है जो चीज़ें हैं जिनसे दाम शायद बढ़ें वो हैं जैसे कि एक्साइज ड्यूटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। इससे एक ये होगा कि इकॉनमी में जो भी प्रोडक्शन है उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, उसका कास्केडिंग इफेक्ट होता है और उससे कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं, जितना एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा। फिर दूसरा मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेट प्राइसेस जो हैं पब्लिक सेक्टर के वो बढ़ेंगे, क्योंकि जो बजट है उसमें पब्लिक सेक्टर के जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की हेल्प है प्लानिंग प्लान को वो बढ़ रही है, तो प्राइसेस उससे सब्सिडीज़ कुछ कम होंगी जैसे आपने कहा, या जैसे रियल टर्म्स में कम हो रही हैं फूड पे और फर्टिलाइज़र पे, तो उनके दाम कुछ और बढ़ेंगे।
इस तरह से मैं ये देखता हूँ कि जैसे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है तो 60% जो है वो जो बाहर से माल मंगाया जाएगा उस पर जैसे जैसे एप्रिसिएशन होगा उससे बढ़ेगा। फिर ये जो मैं देख रहा हूँ कि वेल्थ टैक्स घट गया है, कैपिटल गेन्स टैक्स है, अब जैसे स्टॉक मार्केट है वहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन लास्ट ईयर 1 लाख करोड़ रुपए का था, मैंने सुना है कि अब 2 लाख करोड़ रुपए के करीब हो गया है, और इसकी वजह से भी एक असर पड़ता है स्पेक्युलेटिव सिचुएशन में। सोना है वो बाहर से आएगा या सोना जैसे बॉन्ड सरकार को मिलेगी उससे फिस्कल डेफिसिट पे असर पड़ेगा, ये कुछ बजट में क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट इससे बढ़ेगा या ये जो सोना है इसको जब सरकार लेगी तो उससे जो लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़ेगी तो उसका असर भी तो पड़ेगा दामों पे। तो ये सारे मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर राजीव कुमार कुछ कहना चाहते हैं इसमें जो है, इसके दूसरी तरफ हम लोगों को दो चीजें देखनी चाहिए कि जो दाम बढ़ने की जो जो दौर चल रहा था उसमें सबसे बड़ा जो एक उसका कारण था वो था कि सरकार का गैर जिम्मेवारी तरीके से अपना खर्चा बढ़ाते जाना, और उससे जो था, और ये आर्थिक हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बात बहुत साफ तौर से कही गई है कि सबसे बड़ा जो वजह थी सबसे बड़ी मुद्रास्फीति की वो ये थी कि एक बुरी तरह से हमारे इकोनॉमी में आर्थिक व्यवस्था में पैसे की फैल बढ़ती चली जा रही थी और सरकार अपना खर्चा बढ़ ये बजट और इससे पिछले बजट ने बहुत बड़ी चीज़ की है कि पहली बार ये बहुत सालों बाद ये हुआ है कि सरकार का खर्चा कम हुआ है और इससे दामों में ज़रूर कमी आएगी। दो चीज़ें और हैं कि जो इम्पोर्ट आयात कर जो कम हुए हैं खासतौर से कैपिटल गुड्स और मशीनों वगैरह पर, उससे जो हमारे नए जो उद्योग हैं उनकी कीमतों पर बिल्कुल नीचे दबाव आएगा, नीचे की तरफ दबाव बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो 1% हमारा इंटरेस्ट रेट कट हुआ है उससे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होगी, और आखिरी चीज़ ये है कि जो हम लोगों की अभी तक एक एक्सपेक्टेशंस बन गए थे, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बन गए थे, उनको तोड़ने के लिए हमारे पास अब इतनी मुद्रा मौजूद है कि अगर व्यापारी नहीं उनको कम करते हैं या स्पेकुलेशन करते हैं तो हम अपने आयात का फ़ायदा उठा सकते हैं समय कि उससे, क्योंकि हमारे पास अब ताकत है उस करने की, तो सप्लाई मैनेजमेंट जो है वो बढ़ सकता है। आप सहमत हैं? नहीं, मैं जो कह रहा था कि जो मैक्रो लेवल पे मुझे लग रहा है कि जैसे अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी तो ठीक है उन चीज़ों के दाम तो बढ़ जाएंगे, चाहे ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट आपने कम कर दिया या सब्सिडी बढ़ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखिए कि एक तरफ एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तो कस्टम्स ड्यूटी कम हुई है तो नेट इम्पैक्ट तो इसका क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसके कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हैं वो कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ तो है नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पे मॉड वैट एंड अदर दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट को रोकने में मदद कर सकती है। पर ओवरऑल तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही है एक्साइज ड्यूटीज का। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। अगर सप्लाई साइड रिस्पॉन्स ज़्यादा हो, अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा हो, अगर हम इंटरनल कंपटीशन को बढ़ावा दें, अगर बाहर से आने वाली चीज़ें बहुत जल्दी आएँ, ज़्यादा तादाद में आएँ तो एक्साइज ड्यूटी का जो असर है वो बहुत कम है। और ओके, आई थिंक नाउ विल गो अक्रॉस टू बॉम्बे। बम्बई में रिजर्व बैंक के गवर्नर हमारी प्रतीक्षा में है, उनसे 2-4 सवाल पूछने हैं। अगर हम बम्बई जा पाएँ तो हम बम्बई चलते। यू आर वेलकम टू द प्रोग्राम मिस्टर वेंकटरमन। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ विल यू, वॉट विल यू डू विद द क्रेडिट स्क्वीज विच टू प्लेस लास्ट ईयर? आई थिंक विद द लिबरेशन ऑफ the statutory liquidity ratio coming down, there will definitely be a possibility to look at the credit squeeze. But I hope to do that in April when I review the credit policy. The deficit reduction is one of the important instruments which enables me to look at credit squeeze reduction. But the fact that the foreign exchange situation is better, that we can manage supply responses better, this will also enable us to look at credit squeeze reduction. So I am confident that with the various initiatives that the finance minister has taken, it will be possible to look at liberalizing the credit policy in the coming first half of the year 1993-94. There is a lot of curiosity about the convertibility of partial convertibility of rupee. How are you going to operate it? We have already taken steps to inform the various banks and about the details of the scheme. I think the scheme is very simple. Anyone who brings in foreign exchange from abroad, he gets a rate corresponding to 40% at the official exchange rate and 60% at the market rate.
That is true, but does he, do I meet that person at the airport as my colleagues asked? No, when he meets the... What are the modalities? No, the authorized dealer or the money changer gives him a rate calculated on the basis of the composite rate between the official exchange rate and the market rate. The market rate is decided by the foreign exchange market, which will start operating from Tuesday. Monday is closed. From Tuesday, the market is ready to operate. The banks are already geared to do this. I think this will be a very successful operation, considering that the Reserve Bank is also standing ready to intervene in case the premium goes too high. We will prevent the volatility of the market. I expect that there will be substantial inflow from remittances, and also from the fact that the gold has been, the import has been liberalized. There would be a possibility that a lot of money which was going to the Hawala route will come into this. So I expect that the markets will stabilize within the first few days. Our panelist, Mr. Ajay Kumar, who is the executive editor of the Economic Times, he has a question to ask to you. Ajay. Mr. Venkatraman, would you like to predict what the dollar will settle at? If I were able to predict, I wouldn't do so. But I would say this, that the dollar rupee rate will remain within the band the Exim script has been showing at present. After all, the convertibility that we have introduced is in a way a de-bureaucratized substitution for the Exim script route. And I think it will be well within the range which the Exim script has shown. There is another question for you from Professor Arun Kumar. Actually, it's in two parts. The first is that would there be a link between the official, now of course both the rates are official, between one rate which is the free market rate and the other which is the pegged rate. Would there be a link so that, you know, when the free market rate rises or falls, would the other rate also be allowed to rise or fall? That's one. And the other is the interlinkage between the gold scheme and this partial convertibility. If suppose, for instance, remittances do not come in the form of dollars, but they come in the form of gold, then it would imply that basically the foreign exchange inflow into the economy would reduce, and therefore the free market rate may destabilize. Yeah, please be brief, Professor. When the remittances come in the form of gold, gold prices will come down, and there will be a disincentive to bring in more gold. And secondly, I think there is no linkage between the official exchange rate and the free market rate. What I expect is that the free market rate will be determined by the supply and demand, and if the demand goes up, then what will happen is more foreign exchange will come in from abroad. The official exchange rate will be determined on the basis of the basket, which we have been following for quite some time. I do not think that there would be any necessity to change that. Thank you very much. Thank you very much for having joined us here. Thanks. जो और विशेषताएं इस बजट की हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो फिल्म का रॉ स्टॉक होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिस पर हमारी फिल्में बनती हैं जो रॉ स्टॉक है रंगीन जो भी एक्सपोज नहीं हुआ है उसके आयात शुल्क में 20% तक की कमी की गई है और जो चिकना अखबारी कागज होता है ग्लेज न्यूज प्रिंट उसको पूरी छूट दे दी है वित्त मंत्री जी ने वो क्यों दी है वो मैं बाद में इनसे सवाल पूछूंगा जो इनके संबंध रहे हैं अखबारों के साथ पिछले 10 दिन से मेरे ख्याल दो चार सवाल पूछने उचित बनते हैं और एक और जो काम किया है वित्त मंत्री जी ने वो ये है कि सोना आयात की अनुमति दी है और हर यात्री या अनिवासी भारतीय अपने साथ 5 किलो सोना ला सकता है जिस पर 15% शुल्क लगेगा यानी 450 रुपया प्रति 10 ग्राम मंत्री जी ये आपने ग्लेज कागज़ को एकदम करमुक्त कर दिया है इसकी वजह जो पिछले एक हफ्ते में आपके साथ हुआ उसके अलावा और क्या हो सकती है ठाकुर साहब आप इसका जवाब दें आपने नहीं सरकार की ये नीति रही है दुआ जी जी कि जो हमारे प्रसार माध्यम हैं मीडिया है समाचार पत्र है उनको अधिक से अधिक विस्तार और हर तरह सुविधा दी जाए पिछली बार आपने देखा होगा पिछले बजट में पूरी सुविधाएँ दी गई थी न्यूज़ प्रिंट जो आते थे उनकी छूट दी गई थी पूरी और चीज़ों में दी गई थी यह केवल रह गया था चिकने पत्रों पर इस बार हमारे पास प्रतिवेदन वित्त मंत्री के पास बार बार आए थे और उसी के आधार पर किया गया लेकिन मूल प्रश्न जो आपका था जरा सा छूट गया वो मैं उसको सप्लीमेंट उसमें कुछ कहना चाहूँगा वो यह था कि ये जो अधिक कीमत बढ़ती है तो इसे क्या इसको कम करने के क्या साधन है इसके मूल कारण सभी अर्थशास्त्री मानते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी बैठे हैं कि घाटे का बजट जो है वो सबसे मूल कारण माना जाता है किसी भी बढ़ती हुई कीमत की मुद्रास्फीति की ये हमको देखना हुआ कि जो पिछली बार और ये आपने प्रश्न भी किया था कि ये तीन तरह के जो होते हैं घाटे उनका क्या संबंध है पहला घाटा है जो बजट का घाटा हम कहते हैं यानी बजट की पूरी आमदनी और पूरे जो हमारे खर्च होंगे उसके बाद में जो अंतर बचे वो भजे घाटी ये बजट के घाटे का इस बार हमारा अनुमान यह था कि 7,700 करोड़ 29 करोड़ रुपये जो है सन में माना था घाटा चालू वर्ष में होगा लेकिन आपको प्रसन्नता होगी कि ये वित्त मंत्री और दूसरे जो सम्मानित मंत्रालय हैं
उनके इनके निर्देश पर उन्होंने जो सहयोग दिया उसका फल यह हुआ कि आज हमारे पास ये बजट का घाटा जो है वो केवल 7000 करोड़ के लगभग है, वो 7719 करोड़ जो होना अनुमानित था उसके जगह 7032 करोड़ के बल घाटा होगा, यानी बजट का घाटा हमारा कम हुआ इस बार। और अगले साल के लिए प्रसन्नता होगी कि जो घाटा रखा गया है वो 5389 करोड़ रखा गया है, इसलिए बजट के घाटे को हम कम कर रहे हैं, वो हमारा एक मुख्य कारण होगा। बजट का दूसरा जो माना जाता है जिसके विषय में आपने उल्लेख किया था वो यह है राजकोषीय घाटा, यानी जिसमें इस तरह के घाटे और जितने तरह का हम ऋण लेकर घाटा पूरा करते हैं सरकारी ऋण लेकर के, उसको भी यदि हम जोड़ दें तो चालू वर्ष में हमारे 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 पास जो है सो इसमें माना गया था कि 37792 करोड़ का घाटा होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें 37727 करोड़, यानी उसमें भी बिल्कुल उससे कम रहा है, बढ़ा नहीं है। तीसरी बात यह है कि सकल जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं यानी जिसको जीडीपी कहते हैं उसका क्या प्रतिशत घाटे से है, ये भी एक बड़ा भारी मापदंड है। और उसमें आपको प्रसन्नता होगी कि जो हमारे पिछले वर्ष में था वो 8.5% का था, इस बार वित्त मंत्री ने पहले ही घोषणा करी थी कि हम कोशिश करेंगे 6.5% करें, उसको पूरा कर दिया गया। और पिछले अगले साल हम अनुमान लगाते हैं कि 5% से अधिक नहीं होगा, ये बड़ी चीज़ है। एक बात इससे संबंधित है वो सोना, गांव में चले जाए किसी आदमी को आप पूछिए कि सोने का और गल्ले का यदि मूल्य ज़्यादा होगा, अभी हमसे आकाशवाणी के लोग कह रहे थे कि रिक्शा वाला रास्ते में कह रहा था देखो भाई सोने का दाम कम हो जाएगा, तो अब जब सब चीज़ का दाम कम होगा, सोने की कीमत बहुत यहाँ अधिक थी क्योंकि यहाँ उपलब्ध कम था, हर किसान मजदूर गांव के आदमी बड़े आदमी छोटे आदमी चाहते हैं सोना, अभी जो आएगा इससे सोने के दाम में कमी होगी, इसके आप व्यापक जो है असर पड़ने वाला है। बाकी उत्पादन वगैरह जो कहा गया उत्पादन अधिक होगी तो स्वाभाविकतः माल बाजार में होगा और हमारे पास विदेशी मुद्रा है, आवश्यकता होगी तो हम आयात भी कर लेंगे जिसकी बड़ी कमी होगी, इसलिए हमें हम निश्चित हैं कि जो अभी तक कोई विशेष परिस्थिति हो जाए बात दूसरी है, अभी तक इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके आधार पर निश्चित रूप से जो भरोसा अभी वित्त मंत्री जी ने दिलाया और अभी प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे थे उसके मुताबिक इसमें कमी अवश्य ही होगी, इसमें कोई संदेह का कारण नहीं। वित्त मंत्री जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुश्किल समय देश के लिए अब कब तक है आगे? दुआ जी मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये जो हमने नई आर्थिक नीति अपनाई है जी, इसका पूरा असर तो आप तकरीबन 3 साल के बाद देखेंगे, लेकिन यह मेरा ये भी विचार है कि आने वाले महीनों में इसका अच्छा प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। ठाकुर साहब ने आपको बताया कीमतों के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, अब मुझे और ये भी यकीन है कि आने वाले महीनों में आप देखें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भी इस पर अच्छा असर पड़ेगा और उसके साथ बेरोज़गारी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन ये तो ज़रूर है कि हमारे देश में ये जो समस्या है कोई एक दिन में तो खड़ी हुई नहीं है, इनको सुधारने में हमें काफ़ी कुछ समय लगेगा, पब्लिक सेक्टर को ठीक करने में काफ़ी समय लगेगा, जो सिख यूनिट्स हैं उनको ठीक करने में हमें वर्कर्स की सहायता चाहिए, वो भी उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं जो एक दिन में तो हो नहीं सकती, ये तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे महीने महीने आप देखेंगे कि देश की आर्थिक हालत में सुधार होगा। हमारे पास समय बहुत कम है, अजय जी जल्दी से आप अपनी प्रतिक्रिया बता दें। डॉक्टर सिंह कह रहे थे ये पब्लिक सेक्टर के बारे में, ये जो आपने टारगेट रखा है इस बजट में 2500 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट का, ये कुछ कम नहीं है? देखिए साहब मेरे विचार में तो ये डिसइन्वेस्टमेंट कुछ हमें इस वक्त करनी पड़ रही है क्योंकि हमें घाटा पूरा करना है जी, लेकिन मैं इसके लिए बहुत खुश नहीं हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ। अगर मैं डिसइन्वेस्ट करता तो अगर मेरा बस चले तो मैं इस पैसे को जो पब्लिक डेट है उसको रिटायर करने में लगा,
लेकिन आज हमारी आर्थिक हालत ऐसी ख़राब है, हमारा घाटा इतना ज़्यादा है कि उसको अभी घाटे को पूरे करने में लगाए तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन मैं कोई से कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं देता कि हम अपना घाटा पूरा करने के लिए अपनी दुकान को ही बेच डालें। यानी आप कह रहे हैं अगर आप रिटायर करते कर सकते तो आप ज़्यादा करते। आप से डॉक्टर साहब इसको जरा डॉक्टर राजीव कुमार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बाद में विनोद मैं प्रतिक्रिया की जगह ये कहना चाहता हूँ कि जो निजी आयकर का जो संशोधीकरण किया गया इस बजट में उसके लिए हम लोगों ने बातचीत नहीं करी, ये बिल्कुल एक नया आयाम है कि पहली बार हम लोगों को ईमानदार होने के लिए उसका मुनाफा मिलेगा। हमें बेमानी से हम लोग अलग रास्ते पर जा रहे हैं, इतने रेट जो दर हैं वो इतने अच्छे कर दिए गए हैं और पहली बार ये जो शॉपकीपर्स के ऊपर दुकानदारों के ऊपर जो एक दिया गया है एक उनको ऑफर 5 लाख से कम का कारोबार 5 लाख से कम का जो कारोबार है कि 1400 रुपये सालाना देकर वो अपना जो है वो एक तरह से बिल्कुल ईमानदारी की ज़िंदगी बिता सकते हैं, सरदर्द दूर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक कदम है जिसका कि महत्व हम लोग अभी समझ नहीं रहे हैं शायद। आप कुछ कहेंगे? ये जो प्रत्यक्ष करों में एक बहुत भारी बदलाव आया है तो उसको मैं ये सोचता था कि अगर इस पर हम ज़्यादा रेवेन्यू लेते इससे, पर वो हुआ नहीं है और वही एक तरीका हो सकता था कि फिस्कल डेफिसिट भी कट कर सकते थे। ब्लैक इकॉनमी में 1,80,000 करोड़ रुपए सालाना बनता है, उससे हमारी काफ़ी टैक्स आ सकता था, पर ये मुझे कुछ अभी दिख नहीं रहा है और ये एक कमज़ोरी रह गई है जो कि हमको काफ़ी परेशान कर सकती है, क्योंकि उससे फिस्कल डेफिसिट भी कट होता और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती। यदि आप इतिहास देखेंगे प्रत्यक्ष कर का, जब जब हमने कर बढ़ाया 97.5% तक हमारा चल गया था, हम 76% पर आए, फिर 50% पर आए। आप देखेंगे कि अधिक से अधिक करदाता आवें, अधिक से अधिक वो अपने कर का भुगतान सही ढंग से करें, ईमानदारी से करें। उसके लिए नितांत आवश्यक है कि हम मर्यादित कर दर रखें। अभी जो 20, 30 और 40% लगाया है ये बहुत ही उचित है, इसका फल मिलेगा। चालू वर्ष में ही हमको 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया आयकर में आ चुका है और हम सब आशा करते हैं कि आगे हमको इसमें सुविधा होगी। इससे तो एक नई दिशा मिली है और जो सच आपके विनोद कुमार जी ने जो कहा वही है कि इससे लोग आगे आएंगे और हमने मौका दिया दुकानदारों को, छोटे छोटे लोगों को, कि वो भी 5 लाख करोड़ तक का जो कारोबार करते हैं वो आ जाएं, स्वेच्छापूर्वक 1400 रुपये जमा कर दें और इस भागीदार बने टैक्स करदाता के पक्ष में। ठाकुर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए और एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है वित्त मंत्री जी से कि ये जो बजट लीक का जो पूरा कंट्रोवर्सी चला इसकी असलियत क्या है, हुआ क्या था? इसकी असलियत हो क्या बजट लीक हुआ था या बजट कोई लीक नहीं हुआ है। ये मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बजट के लीक होने का कोई सवाल ही नहीं था। ये कहना कि हमने अलिया कमेटी की रिपोर्ट किसी इंटरनेशनल एजेंसी को दी है ये बिल्कुल गलत है और जो लोग ये कहते हैं उनको खुद ही पता है। मैं 20 साल से फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक, प्लानिंग कमीशन में काम किया है तो अगर मुझे कम से कम इतनी तो सुख है कि बजट सीक्रेट को किस तरह हैंडल किया जाए, तो इससे ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं भारत की जनता को ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मामले में बजट की किसी भी कार और दूसरी चीज़ों का भारत के बाहर के लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं था, ना ही हमने कभी ऐसी बात की है, ना ही ऐसी बात कभी होगी। मित्र जी, बजट वाकई में ऐतिहासिक माना गया है, ना सिर्फ अर्थशास्त्रियों ने बल्कि उद्योगपतियों ने, पत्रकारों ने और आम जनता ने भी इसको ऐतिहासिक कहा है। अब कितना नाटकीय साबित होता है, कितना ड्रामेटिक साबित होता है अपने रिजल्ट्स में, अपने नतीजों में, ने कहा है कि कुछ एक महीनों में अगला साल आने वाला साल ये मुश्किल है। तो अगर आने वाला साल मुश्किल है तो मुश्किलात इस देश में सिर्फ आम आदमी को ही झेलनी पड़ती हैं, खास आदमी को नहीं झेलनी पड़ती। तो हे देवी और सज्जनों, मुस्कुरा कर आने वाले साल की मुश्किलों को झेलेंगे और हम सबका धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।